हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में दिल की असीम गहराइयों से स्वागत है आप सभी का। तो आइए दोस्तों, मैं वापस आ चुका हूँ कंटेंट का खजाना लेकर दोस्तों, और इतना कंटेंट आपको दे जाऊंगा कि आपका नोटबुक जो है ना दोस्तों वो हो जाएगा फुल और आपका दिल हो जाएगा दोस्तों कूल। बस आपको इंतजार करना है और पूरे इस सेशन को देखना है। हर एक प्रश्न दोस्तों आपको नई नई चीजों से रूबरू कराने वाला है। ये सिर्फ एक कंटेंट है दोस्तों आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य निर्माण के लिए प्रारंभ करते हैं। और आपसे मेरी एक दरख्वास्त है, अगर कंटेंट आपके दोस्तों दिल को टच करे ना, तो आप बिल्कुल से दोस्तों लाइक वाले बटन को टच कर दीजिएगा और चैनल में हमारे साथ में जुड़ जाइएगा। और आपको दोस्तों एक और काम करना है कि जो आपका दायित्व बनता है इस क्लास को शेयर करने का, वो दायित्व निभाइए। बाकी अपना मैं पूरा कर्तव्य दोस्तों ईमानदारी के साथ निर्वहन आपके सामने करने वाला हूँ। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, यूपीपीसीएल का 19/2021 सिप टेस्ट का पेपर, और जिसमें से ये हमारा सेकेंड एपिसोड है। और सेकेंड एपिसोड का पहला क्वेश्चन हमारा 21 नंबर से स्टार्ट होता है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है और इस क्वेश्चन से आप रूबरू हुई है। पहला क्वेश्चन है और इसमें आप दोस्तों डबल स्टार लगाइए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोड लाइन और डायोड अभिलक्षणों का प्रतिच्छेदन क्या देता है आपको? ये दोस्तों क्यूसेंट पॉइंट देता है। ये क्या देता है आपको? ये क्यू पॉइंट देता है। ये क्यू पॉइंट कहाँ से प्राप्त होता है? जो कोई भी डायोड, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, किसका? जर्मेनियम का। किसका एग्जांपल लेते हैं हम? जर्मेनियम डायोड का हम एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें हम दोस्तों करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर वोल्टेज होता है, यहाँ पर करंट होती है। देखिए जो दोस्तों लोड लाइन की बात कर रहे हैं ना, वो लोड लाइन इस प्रकार से चलती है ना। यहाँ पर होता है दोस्तों VDD/R, यहाँ पर होता है VDD और ये है आपका VD, ये है आपका करंट। देखिए आपको पता है ना जर्मेनियम का दोस्तों वोल्टेज कितना है? 0.3 वोल्ट। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी आप जर्मेनियम के डायोड को आप सप्लाई देंगे, वोल्टेज देंगे दोस्तों, ये क्या करेगा दोस्तों, 0.3 वोल्ट तक ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा, यानी 0.2 वोल्ट तक कोई रिएक्शन नहीं करेगा। 3 वोल्टेज यानी 0.3 वोल्टेज जैसे ही आप इस पे अप्लाई करेंगे, तुरंत दोस्तों इसमें करंट का प्रवाह होना क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाती है ना। अगर आप करंट और बढ़ाए दोस्तों, ये लाइन यहाँ से आपको ग्राफ दिखाई देगा, और करंट को बढ़ाए तो यहाँ से ग्राफ ही आपको दिखाई देगा। आप देखिए यहाँ पर जो ये क्या है, ये है दोस्तों आपका लोड लाइन। इसको हम क्या कहते हैं? लोड लाइन के नाम से इसको जानते हैं। बिल्कुल दोस्तों नई चीज बता रहा हूं, नोट करिएगा। ये पहला यहां पर देखिए लोड लाइन को टच कर रहा है, ये करंट वाली जो लाइन है ये यहां पर दूसरी बार टच कर रही है, यहां पर तीसरी। यानी कि कितने क्यू पॉइंट मिल रहे हैं हमें? तो 3 क्यू पॉइंट हमें मिल रहे हैं, है ना। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्यारे दोस्तों आपका जो डायोड है ना, डायोड का दोस्तों ये कहलाता है प्रचालन लाइन, है ना। डायोड का ऑपरेटिंग लाइन ये कहलाता है, और ये लोड लाइन कहलाती है जो ग्रीन पट्टी से आ रही है, है ना। तो क्यू पॉइंट किसको बताती है? तो क्यू पॉइंट बताती है दोस्तों ऑपरेटिंग को। ये किसको बताती है? ये ऑपरेटिंग बिंदु को बताती है ना। तो यही आपसे तो पूछा गया है कि क्यू ऑपरेटिंग बिंदु क्या है, है ना। अगर आपसे कभी पूछे कि सबसे ऊपर वाला क्यूब किसको बताता है, ये दोस्तों मैक्सिमम धारा को बताती है। किसको? मैक्सिमम करंट को। और ये जो नीचे वाली सबसे है ना क्यू, ये किसको बताती है? ये सबसे नीचे वाली करंट दोस्तों ये कट ऑफ को बताती है। किसको? कट ऑफ को। यानी कि अगर आप इससे कम वोल्टेज देंगे ना दोस्तों, आपका डायोड क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, है ना। आपका डायोड बंद हो जाएगा। और मैक्सिमम ये क्यू पॉइंट जो है ये मैक्सिमम करंट को बताती है। तो बिल्कुल दोस्तों इसका जो आंसर था ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। किस प्रकार के डायोड के लिए उत्क्रम पुनर्प्राप्ति समय निम्नतम होता है? बिल्कुल दोस्तों ऐसा जानकारी आप तक पहुंचने वाला है जो आज तक दोस्तों शायद दोस्तों किसी ने नहीं बताया होगा आपको। वो जानकारी से आपको आज रूबरू कराता हूं। किस प्रकार के डायोड के लिए, है ना, किस प्रकार के डायोड के लिए दोस्तों इसमें उत्क्रम पुनर्प्राप्ति समय निम्नतम होता है? ये हम कहते हैं शॉटकी डायोड। किसको दोस्तों? हम शॉटकी डायोड कहते हैं। सुनिए, जो आपका शॉटकी डायोड होता है इसका जो टाइम होता है, सुनिएगा दोस्तों, जो इसका टाइम होता है ना वो कितना होता है? वो नैनो सेकेंड में होता है। यानी कि डायोड को अगर हमें बंद करना है दोस्तों, जैसे आप लैंप को बंद करते हैं तुरंत उसमें से प्रकाश निकलना बंद नहीं होता, कुछ सेकेंड बाद दोस्तों बंद होती है आपकी लैंप। बस वही दोस्तों
शॉटकी डायोड भी होता है, उसको जब ऑफ करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, तो नैनो सेकेंड इसमें लग जाता है टाइम इसको बंद होने में। और इसकी क्या खास बात है कि दोस्तों 300 एम्पियर तक इसमें आप करंट देंगे तो भी काम करेगा। अगर वोल्टेज की बात करें दोस्तों, ये 100 वोल्ट तक ये क्या करता है, ये काम करता है, है ना। जो आपका शॉटकी डायोड है दोस्तों, इसका TRR किस में होता है, नैनो सेकेंड में होता है। रिवर्स रिकवरी टाइम को हम क्या कहते हैं, इसको दोस्तों हम TRR कहते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है प्यारे दोस्तों, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो बनता है 2QRR बटे DI बटे DT, इसको बंद करेंगे 1/2। ये क्या है, TRR रिवर्स रिकवरी टाइम ज्ञात करने का। एक होता है दोस्तों IRR रिवर्स रिकवरी करंट ज्ञात करने का, उसका फॉर्मूला होता है 2QRR इंटू DI बटे DT 1/2 है, हाफ, है ना। ये क्या है, रिवर्स रिकवरी टाइम। और जो आपको मैंने इससे पहले क्यू पॉइंट ज्ञात करने क्यू बताया था दोस्तों, क्यू पॉइंट, वो क्यू आर आर ज्ञात करने का फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है दोस्तों 1/2 गुड़े आई आर आर गुड़े TRR। तो ये किसको ज्ञात करेगा, ये दोस्तों क्यू पॉइंट को, यानी कि ऑपरेटिंग पॉइंट। जो क्यू पॉइंट आपको मिला था ना, वो किस टाइम पे मिलेगा, उसको ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है दोस्तों। इसका करंट ज्ञात करने का फॉर्मूला, रिवर्स रिकवरी करंट और रिवर्स रिकवरी दोस्तों समय ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो ये है, है ना। तो आपको दोस्तों क्या करना है, इन चीजों को ध्यान में रखना है, और है ना। और जो आपका शॉटकी डायोड होता है दोस्तों, इसका यूज आप कहां पर करते हैं, तो इसका उपयोग भी लिख लीजिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। SMPS में, किसमें, SMPS में अगर कोई पूछे SMPS का पूरा नाम, तो लिखेगा दोस्तों स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका क्या होता है, ये इसका पूरा नाम होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई इसका पूरा नाम होता है, वहीं पर इसको यूज करते हैं। और इसका देखिएगा जो सिंबल होता है वो किस प्रकार का इसका सिंबल होता है, देखिएगा सिंबल को आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों, सिंबल आपके लिए बहुत ही काम की चीज है ना। इस प्रकार से इसका सिंबल होता है। आपको क्या ध्यान रखना है, अगर बात डायोड की करें दोस्तों, ये कभी भी खाली नहीं होता है डायोड में, हमेशा ये क्या होता है, इसी प्रकार से दोस्तों बंद रहता है, भरा हुआ रहता है। और आपको देखिए, ये जो आपको दोस्तों आगे की तरफ सींग दिखाई दे रहे हैं ना, ये हमेशा दोस्तों ये आगे की तरफ होना चाहिए और इधर से ये पीछे की तरफ। ये क्या है, इसका एनोड और ये है इसका कैथोड, यानी कि टोटल इसमें 2 टर्मिनल होते हैं और SMPS के अंदर हम इसको काम में लेते हैं, है ना। जिस उद्देश्य से मैं आपके सामने आया हूं प्यारे दोस्तों, वो उद्देश्य मैं पूरा कर रहा हूं, और आपका भी दायित्व बनता है कि इसको दोस्तों शेयर करना। पूरे ईमानदारी के साथ बताइए कमेंट करके, क्या दोस्तों ये जो कंटेंट आप तक पहुंचा रहा हूं, क्या आपके लिए दोस्तों ये काफी नहीं है, आप दोस्तों दिल से बताइएगा और कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। किसी अल्टरनेटर में प्राइम मूवर की स्पीड को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो गवर्नर के द्वारा कर सकते हैं। किसके द्वारा दोस्तों, गवर्नर के द्वारा स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपसे ये पूछ देता ना कि में जो अल्टरनेटर जो आउटपुट में हमें पावर दे रही है, क्या दोस्तों जो आपका अल्टरनेटर है ना, ये अल्टरनेटर अगर जो आउटपुट में जो पावर हमें दे रही है, उस पावर की दोस्तों जो फ्रीक्वेंसी एफ है, अगर उस फ्रीक्वेंसी को हमें कंट्रोल करना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, तब हमें लगाना पड़ेगा दोस्तों फ्लाई बॉल गवर्नर। लिखेगा फ्लाई बॉल गवर्नर, है ना। फ्लाई बॉल गवर्नर के द्वारा हम क्या करते हैं, इसके फ्रीक्वेंसी को, इस फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं। और केवल गवर्नर के द्वारा हम क्या करते हैं, इसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। कपलिंग क्या करता है दोस्तों, कपलिंग जो प्राइम मूवर है ना, वो कपल्ड होता है अल्टरनेटर के साथ में, ताकि जैसे ही आपका ये प्राइम मूवर घूमे, वैसे ही दोस्तों आपका अल्टरनेटर ही साथ ही साथ घूमना चाहिए, है ना। और फिल्टर ब्रेक जैसा इसमें दोस्तों कोई भी सिस्टम नहीं होता है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है ये। अगला क्वेश्चन है 24 की, सोडियम वेपर लैंप से कौन सा रंग निकलता है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन हमेशा आसान क्वेश्चन ही नहीं पूछता है, है ना। तो इसका जो आंसर है ना, वो तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि पीला इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। देखिएगा जो आपका सोडियम वेपर लैंप है, लिखिएगा प्यारे दोस्तों, जो सोडियम वेपर लैंप है ना, ये सोडियम वेपर लैंप कुल दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं, एक होता है दोस्तों हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, है ना, HPMVL। एक होता है दोस्तों लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, LPMVL। अब इसमें से देखिए, जो आपका अगर पूछ दे कि हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप में कौन सी गैस होती है, तो इसमें दोस्तों सोडियम होती है। कौन सी,
सोडियम प्लस मरकरी इसमें गैस भरी जाती है, और किस कैसे भरी जाती है तो हमेशा दोस्तों हाई प्रेशर के साथ भरी जाती है। अगर दोस्तों मैं ये कहूं कि बताइए हाई प्रेशर को दोस्तों अगर आपको कंट्रोल करना है तो ग्लास किसका बना होना चाहिए, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप का, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप लिखिएगा दोस्तों इसका जो ग्लास है ना वो बना होना चाहिए दोस्तों ट्रांसलूसेंट का, किसका ट्रांसलूसेंट का दोस्तों, ट्रांसलूसेंट एल्यूमिना का, इसका क्या बना होना चाहिए, इसका दोस्तों ग्लास बना होना चाहिए। क्यों हम लगाते हैं हाई ट्रांसलूसेंट एल्यूमिना का ग्लास, हाई प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं। और देखिएगा इसका जो प्रकाश निकलता है ना प्यारे दोस्तों वो सफ़ेद कलर का निकलता है। आप कभी नाइट में दोस्तों आप कभी नाइट में क्या करते होंगे, ट्रैवल करते होंगे सड़क में, तो आपने देखा होगा जो रोड होती है ना, रोड के दोस्तों दोनों किनारे तरफ, रोड के अंदर ही रोड के किनारे तरफ छोटी छोटी दोस्तों लाइट लाइट के जैसे लगी होती हैं, जैसे आपके बाइक की प्रकाश उस पर पड़ती है ना तो वो चमकने लगती है। क्यों चमकती है दोस्तों, वही वाली प्रकाश इसमें से निकलती है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप में से, है ना, सॉरी हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, है ना, यहां पर लिखेगा हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप से। और इसकी देखिए अगर पावर फैक्टर पूछे तो नोट करिएगा 0.3 लैगिंग इसका पावर फैक्टर होता है, कैसा 0.3 लैगिंग पावर फैक्टर। और इसकी दक्षता की बात करें तो इसकी जो दक्षता होती है प्यारे दोस्तों वो होती है 44 से लेकर के 45 लुमेन प्रति वाट, कितना 44 से लेकर के 45 लुमेन प्रति वाट। तो ये टोटल कहानी किसकी है, ये है दोस्तों आपका हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, और जो सॉरी हाई का और लो के बारे में पूछे ना तो इसमें ग्लास जो होता है ना दोस्तों, सबसे पहली बात है गैस, तो ये दोस्तों ये नियोन गैस इसमें होती है, नियोन प्लस आर्गन गैस इसमें भरी जाती है, बस दोस्तों कुछ मात्रा में, है ना, कितना दोस्तों कुछ परसेंट इसमें क्या भरी जाती है कि जो आपका मेटेलिक सोडियम होता है ना, जो इसमें मेटेलिक सोडियम होता है ना कुछ परसेंट दोस्तों इसमें मेटेलिक सोडियम भरी जाती है ना। आप कमेंट करके बताइए कि क्यों कुछ परसेंट सोडियम मेटेलिक सोडियम गैस को भरा जाता है ना। और लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप इसमें जो ग्लास होता है ट्रांसलूसेंट एल्यूमिना उसके स्थान पर दोस्तों इसमें प्रेशर बहुत कम है, इसलिए दोस्तों हम ग्लास किसका बनाते हैं, इसका जो ग्लास होता है दोस्तों बोरोसिलिकेट का होता है, किसका होता है बोरोसिलिकेट का, क्या होता है इसका ग्लास होता है ना, क्योंकि इसमें प्रेशर वगैरह तो है नहीं तो बोरोसिलिकेट का हम इसमें ग्लास लगा देते हैं। और इसका जो रंग होता है अगर रंग पूछे दोस्तों तो देखिएगा इसमें दो कंडीशन में रंग निकलता है, प्रारंभ में दोस्तों ये हल्का रेड कलर का प्रकाश देती है, और जब दोस्तों ये पूर्ण रूप से जल जाती है ना उस कंडीशन में दोस्तों ये मोनोक्रोम पीला देती है, कैसा मोनोक्रोम पीला रंग की ये प्रकाश देती है। आपका जो आंसर दिया था दोस्तों यूपीपीसीएल वालों ने ये थोड़ा सा दोस्तों अधूरा इनका आंसर था, है ना, मोनोक्रोम पीला इसका सही आंसर है। और इसका जो पावर फैक्टर है प्यारे दोस्तों वो भी 0.3 लैगिंग ही होता है, 0.3 लैगिंग इसका पावर फैक्टर होता है। अगर दक्षता के बारे में पूछे तो दोस्तों 22 से लेकर के 33 ल्यूमेन प्रति वाट क्या होता है इसकी दक्षता होती है ना। तो इसका आंसर देखिए क्या हो गया, पीला, वैसे तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए मोनोक्रोम पीला, है ना, जब ये पूरी तरह से जल जाती है ना शुरू में कैसा प्रकाश देगी दोस्तों ये हल्का लाल कलर का। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। एक स्थिर लोड के लिए एक सिंक्रोनस मोटर के आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच का ग्राफ कैसा होता है। बिल्कुल दोस्तों बस शिद्दत से आपको देखना है क्लास को, हर क्वेश्चन देखिए आप खुद देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन दोस्तों आपको अलग अलग नॉलेज से परिचित करा रहा है, अलग अलग चीजों से रूबरू करा रहा है, और आपका जो नोटबुक है और आपका जो कलम है ना दोस्तों वो रुकना नहीं चाहिए। जब तक दोस्तों मैं आपके सामने खड़ा हूं तब तक दोस्तों आपको भी मेरे कदम से कदम मिलाकर के चलना होगा। एक स्थिर लोड के लिए एक सिंक्रोनस मोटर के आर्मेचर करंट और फील्ड करंट, किसकी बात कर रहा है दोस्तों, ये आर्मेचर करंट की और ये फील्ड करंट की बात कर रहा है, इसके बीच का जो ग्राफ बनता है ना उसकी बात कर रहा है। ये किस प्रकार का ग्राफ बनता है तो देखिए अभी मैं बना करके आपको दोस्तों पूरा दिखा रहा हूं, है ना। यहां पर देखिए यह है फील्ड करंट और यह है दोस्तों आपका क्या है आर्मेचर करंट। हमेशा ध्यान रखना जो हमको वी वक्र मिलता है ना प्यारे दोस्तों यह हमेशा नो लोड पर मिलता है। किस पर यह मिलता है, यह हमेशा दोस्तों नो लोड पर मिलता है और यह अंडर एक्साइटेशन पर,
किस पर दोस्तों? अंडर एक्साइटेशन पर प्राप्त होता है, नो लोड अंडर एक्साइटेशन पर। देखिएगा जब दोस्तों आपका सिंक्रोनस मोटर को आप फील्ड करंट, यानी सिंक्रोनस मोटर में दोस्तों शुरू में क्या होता है, इसका जो करंट होता है आर्मेचर का ना बहुत अधिक होता है। जैसे जैसे आप फील्ड करंट का मान दोस्तों आप क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, वैसे दोस्तों क्या होता है, ये घटता जाता है, है ना। आपने यहां पर देखिए, आपने मान लीजिए फील्ड करंट इतना बढ़ाया तो इतना दोस्तों आर्मेचर करंट घट जाएगा, फिर फील्ड करंट आपने इतना बढ़ाया फिर आपका आर्मेचर करंट इतना घट जाएगा, फिर फील्ड करंट आपने बढ़ाया आर्मेचर करंट फिर आपका इतना घट जाएगा, है ना। तो देखिएगा अगर मैं इसको दोस्तों नामकरण साथ ही साथ कर दूं, अगर मैं इसको क्या लिख दूं, यहां पर ए लिख दूं, है ना, और ये स्टेप बी और ये है आपका स्टेप सी। तो आप देखिएगा दोस्तों जब आपका आर्मेचर करंट घटते घटते पॉइंट सी पर आ जाता है ना, उस समय दोस्तों ये यूनिटी पावर फैक्टर पर काम करने लगता है। किस पर? यूनिटी पावर फैक्टर पर। लेकिन अगर आप फिर से पावर फील्ड करंट को बढ़ाते गए, एक्साइटेशन को चेंज करके, तो आपका दोस्तों जो ये आर्मेचर करंट है ना, ये फिर से दोस्तों उसी वे में ये क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, है ना, उसी रूप से ये क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। अब मैं इसको दोस्तों नाम दे सकता हूं डी और इसको नाम दे सकता हूं दोस्तों ई, है ना, और ये वाला एफ हो जाएगा। तो देखिए ये किस प्रकार का आकार दिखाई दे रहा है, तो वी वक्र का आपको आकार दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों अलग अलग लोड का बनता है, है ना। ये दोस्तों ये मान लीजिए ये नो लोड का है, ये किसका है, नो लोड का है, और ये दोस्तों हाफ लोड का है, किसका है, हाफ लोड का है। इस प्रकार से एक और बनता है जो फुल लोड का होगा, ये किसका होगा, ये फुल लोड का बन रहा है। तो ये वी वक्र का आकार दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको अब ध्यान क्या रखना है कि आपके एग्जाम में और क्या यहां से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों सी वाला पॉइंट, अगर ये सी से इधर का जो पॉइंट है ये एरिया कहलाता है दोस्तों अंडर एक्साइटेशन का, किसका दोस्तों, अंडर एक्साइटेशन का ये एरिया कहलाता है। अगर ये दोस्तों जनरेटर है, सुनिएगा, अगर ये जनरेटर है दोस्तों ये लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करेगा, किस पर, लीडिंग पावर फैक्टर पर, और अगर दोस्तों ये मोटर है तब दोस्तों ये लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करेगी, किस पर, लैगिंग पीएफ पावर फैक्टर पर काम करेगी। अगर देखिए अगर इस रीजन में सी के बाद आप एक्साइटेशन चेंज करके अगर दोस्तों आप फील्ड करंट को बढ़ाते हैं तो फिर आपको देखिए अगर इधर दोस्तों इस रीजन में अगर आपका ये ओवर एक्साइटेशन है, कौन सा एक्साइटेशन है, ओवर एक्साइटेशन है, और इस एक्साइटेशन में अगर मोटर है दोस्तों ये मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करेगी, किस पर, लीडिंग पावर फैक्टर पर, और जो आपका जनरेटर होगा ना वो दोस्तों लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करेगी, है ना। इसका पावर फैक्टर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये देखिए उल्टा दोस्तों आपको उल्टा कर देना है ना, इधर जनरेटर होगा तो वो उल्टा हो जाएगा, इधर जनरेटर होगा वो उल्टा हो जाएगा, और इस प्रकार से वी कर्व बनता है। और जो आपका दोस्तों उल्टा वी कर्व की बात करें ना, तो आर्मेचर करंट की जगह पे आपको क्या रख देना है, पावर फैक्टर रख देना है, है ना, क्या रखना है, यहां पर रख देना आपको पीएफ पावर फैक्टर, बाकी दोस्तों फील्ड करंट वही का वही रहेगा, तब आपको उल्टा वी कर्व प्राप्त हो जाएगा। कैसा, उल्टा वी कर्व। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, आपके रिपोर्ट है डीसी सप्लाई पर बेस्ड डिस्टकारी में आमतौर पर चोक की तुलना में संधारित निवेश निस्यंदक को अधिमान्यता दी जाती है, क्योंकि यहां पर क्या बोला जा रहा है कि जो आपका ये रेक्टिफायर है, दस्तकारी है, ये किस पर बेस्ड है दोस्तों। मान लीजिए कि हम इसको पहले चोक पर चलाते थे, लेकिन हम चोक पे नहीं चलाना चाहते हैं, हम संधारित निष्पेद निवेश निस्यंदक पर चलाना चाहते हैं। इसका मतलब कि कैपेसिटर इनपुट फिल्टर की बात कर रहा है, तो कैपेसिटर इनपुट फिल्टर जो होता है दोस्तों वो सस्ता होता है और ये आपका बहुत महंगा होता है। जो चोक होता है दोस्तों वो महंगा होता है, इसीलिए दोस्तों अधिमान्यता किसको दी जा रही है, अधिमान्यता दोस्तों चोक के जगह पे कैपेसिटर इनपुट फिल्टर को दिया जा रहा है। किसी परिणामित्र में बकहोल्ज रिले का कार्य से सुरक्षा प्रदान करना होता है। पहले मैं दोस्तों आपको चित्र दिखाऊंगा, क्या, पहले मैं आपको चित्र दिखाऊंगा, आप इस चित्र को जरा गौर से देखिए और महसूस करते हुए बताइएगा। देखिएगा हमारा टॉपिक क्या था बकहोल्ज रिले के बाद, देखिए जो बकहोल्ज रिले होता है दोस्तों वो किसके किसके बीच लगा होता है, वो लगा होता है कंजर्वेटर, किसके बीच, कंजर्वेटर तथा मेन टैंक के बीच, है ना, मुख्य टैंक के बीचों बीच ये क्या होता है, ये बकहोल्ज रिले लगी होती है। सुनिएगा जो इसमें ऑयल भरा होता है ना दोस्तों, वो ऑयल क्या करता है, वो दोस्तों
50 किलोवोल्ट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ऑयल का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है जो इसके अंदर भरी जाती है। और वो जो ऑयल है दोस्तों 650 केल्विन तापमान पर, दोस्तों कितना, 650 केल्विन तापमान पर वो क्या हो जाती है दोस्तों, डीकम्पोज हो जाती है और विभिन्न प्रकार का गैस उत्पादन करने लगती है, जिसमें से दोस्तों 70% जो गैस होता है ना वो क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस होती है। सुनिएगा दोस्तों, 70% जो गैस होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है, और जो हाइड्रोजन गैस वो प्रेशर के साथ दोस्तों मेन टैंक से बाहर निकलने लगती है। और देखिए यहां पर मेन टैंक है और यहां पर कंजर्वेटर है, यहीं पर दोस्तों बीच में बखोल रिले लगेगी, उसी रास्ते में बखोल रिले को लगाया जाता है जहां से गैस बाहर निकलती है, और जैसे ही गैस बाहर निकलती है बखोल रिले अपने आप दोस्तों ऑन हो जाती है और एक अलार्म बजाने लगती है, जिसे हमें पता चल जाता है, ऑपरेटर को पता चल जाता है कि इंटरनल कोई ना कोई फॉल्ट आया है, यानी कि ओवरलोडिंग के कारण आपका ऑयल हीट हो चुका है, जिससे दोस्तों अगर आप लोड को कम नहीं करेंगे, ट्रांसफार्मर को रेस्ट देने का टाइम अगर नहीं देंगे दोस्तों, तो क्या होगा, आपका ट्रांसफार्मर ब्लास्ट भी हो सकता है ना। तो यही है दोस्तों इसकी पूरी स्टोरी। ये क्या है दोस्तों, ये है इसका ट्रांसफार्मर का रेडिएटर, इसको हम क्या कहते हैं, रेडिएटर। जैसे ही ट्रांसफार्मर का तेल दोस्तों पिघलता है तो उसको फैलने के लिए जगह चाहिए, और फैलने के लिए जगह यहीं से मिलता है। और ये वाला जो पार्ट है, देखिए ये वाली जो पार्ट है ये कहलाती है इसका कंजर्वेटर, है ना, ये क्या है, कंजर्वेटर है। और ये तीनों है दोस्तों बुशिंग, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बुशिंग। देखिए ये है आर फेस का, वाई फेस का, बी तीन फेस का बुशिंग है, और ये है दोस्तों आपकी वाइंडिंग, ये क्या है, इसकी है ये वाइंडिंग, और ये है इसका दोस्तों इनपुट आउटपुट बॉक्स, ये क्या है, आउटपुट बॉक्स, है ना, आउटपुट बॉक्स हो गया, रेडिएटर हो गया, और आपका कंजर्वेटर, बुशिंग, और ये है आपकी वाइंडिंग, है ना। तो बुकहोल रिले का क्या काम था, इसको दोस्तों इंटरनल फॉल्ट से ये क्या करती है, हमें इंफॉर्मेशन देती है। देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, आंतरिक दोष, है ना, क्या होगा इसका आंसर, आंतरिक दोष के लिए हम बुकहोल रिले को प्रयोग में करते हैं। बढ़िएगा दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, ओके रिपोर्ट है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28, किसी डीसी इंजन में, किसमें, किसी डीसी इंजन में प्रेरित वैद्युतिक वाहक बल की डायरेक्शन को किससे दर्शाया जाता है। देखिए दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, दाएं हाथ का मतलब होता है दोस्तों राइट, और राइट में से देखिए आपको याद कैसे रखना है वो मैं आपको दोस्तों समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इन्होंने क्या किया, अपने राइट हैंड को दोस्तों इस प्रकार से तीन उंगलियों को फैलाया। देखिए क्या होता है, आप यूं समझिए दोस्तों कि आपके सामने एक जनरेटर है, उस जनरेटर का जो शाफ्ट बाहर निकला होता है ना, उसमें पुली लगाना है और उसको दोस्तों क्या करना है, आपको घुमाना है। तो आप घुमाएंगे तो उसके अंदर, जनरेटर के अंदर पहले से दोस्तों एक परमानेंट मैग्नेट लगा होता है, उस मैग्नेट में जब आप चालक को घुमाएंगे, शाफ्ट को घुमाने का मतलब क्या है, चालक को घुमाएंगे, तो देखिए अंगूठा चालक को घुमाने की दिशा को बताता है, किसको, कंडक्टर के घूमने की दिशा को बताएगा, और जब कंडक्टर घूमेगा तो उसमें से फ्लक्स उत्पन्न होगा, तो यह वाली जो तर्जनी है यह फ्लक्स को बताएगी, और फ्लक्स जब उत्पन्न हो जाएगा तो उसमें से ईएमएफ उत्पन्न होगी, तो ईएमएफ को बताएगी ये माध्यिका। यानी कि दोस्तों आपने शाफ्ट से घुमाया तो कंडक्टर घुमा, कंडक्टर के घूमने से मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हुआ, फ्लक्स उत्पन्न होने से दोस्तों ईएमएफ उत्पन्न हुआ। तो आपको पता चल गया ना, अंगूठा कंडक्टर की दिशा, और दोस्तों ये तर्जनी फ्लक्स की दिशा, और ये माध्यिका किसको बता रही है दोस्तों, ईएमएफ की दिशा को बता रही है। और यही दोस्तों आपसे क्या बोला गया है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किससे हम ज्ञात करते हैं, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से ज्ञात करते हैं। एक और दोस्तों राइट हैंड रूल को पकड़ने का एक और तरीका है, वो क्या तरीका है, वो दोस्तों आपको मैं बता रहा हूं। देखिए अगर आप शॉर्ट में राइट हैंड रूल लिखते हैं ना तो दो बार आर आ रहा है, कितने बार, दो बार, और जनरेटर लिखते हैं तो इसमें भी दोस्तों दो बार आर आ रहा है, यानी कि दोस्तों मैचिंग मैचिंग हो गया, क्या हो गया, मैचिंग मैचिंग। और लेंज का नियम का प्रयोग आप कहां पर करते हैं, तो लिखिएगा दोस्तों उत्पन्न करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए, किसके दोस्तों, उत्पन्न करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लेंज के नियम का प्रयोग करते हैं। और जो आपका एम्पियर का नियम है ना दोस्तों, ये क्या करता है कि ओवरहेड लाइन की, किसकी, जो आपकी ओवरहेड की लाइन होती है ना, उस लाइन में दोस्तों क्या करता है, ये करंट की दिशा को ज्ञात करता है। यानी कि कोई तार है, मान लीजिए ओवरहेड लाइन की ये एक तार है, अब हमें देखने से थोड़ी पता चलेगा कि करंट की दिशा इधर जा रही है या फिर इधर आ रही है, तो हम एम्पियर के नियम की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसका पता लगा सकते हैं। लेकिन उत्पन्न
करंट की दिशा के बारे में पूछे तब आप लिखेगा कि लेंज के नियम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसकी भी दिशा को ज्ञात कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके रिपोर्ट है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस SF6 की परावैद्युतांक सामर्थ्य का मान कितना होता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन होगा, लेकिन ये नया नहीं दोस्तों, अब ये पुराना हो जाने वाला है, है ना। अगर इसका कंटेंट आपके नोटबुक तक पहुंच गया ना, तो आपकी नजर में दोस्तों ये पुरानी हो जाएगी, इसकी वैल्यू दोस्तों और प्रश्नों के जैसा हो जाएगा। तो देखिए, सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो गैस है ना दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट लिखेगा कि दोस्तों ये किस प्रकार का है दोस्तों, ये गंधहीन, इससे दोस्तों किसी प्रकार का कोई गंध नहीं निकलता है और ना ही इसका दोस्तों कोई रंग होता है, रंगहीन गैस है। और इसके अलावा दोस्तों ये अज्वलनशील है। कैसा है ये? अज्वलनशील गैस है, किसी भी प्रकार का कोई आग लगने का इसमें खतरा नहीं होता है। तो इसका जो आंसर है ना वो दोस्तों एयर के मान में 2.5 गुना यानी कि ढाई गुना दोस्तों इसका सामर्थ्य अधिक होता है। अगर पूछे आपकी कि हवा की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, वो होती है दोस्तों 30 किलो वोल्ट प्रति एमएम। कितना? 30 किलो वोल्ट प्रति एमएम हवा की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। अगर दोस्तों सुनिएगा, अगर जो हवा है दोस्तों 30 किलो वोल्ट से अधिक वोल्टेज हो जाएगा ना, तो क्या होगा, दो तार के बीच में जो हवा होगा दोस्तों वो डीकम्पोज हो जाएगा, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, आयनीकरण हो जाएगा और हवा के माध्यम से करंट बहना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए, अगर हम दोस्तों 30 किलो वोल्ट का अगर हम कितना करते हैं 2.5 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये लगभग 75 है ना, हाँ 75 किलो वोल्ट हो जाएगा। तो देखिए 75 किलो वोल्ट अगर आप देंगे, तब दो तारों के बीच में जो हवा है तब जाके वो आयनीकरण होगा। यानी देखिए, ये है दोस्तों आपका किसका है, ये है SF6 गैस का, और ये 30 किलो वोल्ट किसका है, ये हवा का। तो ये एक इंसुलेटर की तरह काम करती है। किस प्रकार प्यारे दोस्तों, ये एक इंसुलेटर की तरह काम करती है। अगर मैं पूछूं दोस्तों इंसुलेटर के रूप में कहां कहां प्रयोग करते हैं, तो आप लिखिएगा जो आपका सर्किट ब्रेकर होती है ना प्यारे दोस्तों, सर्किट ब्रेकर में, और फिर दोस्तों केबल्स में, किसमें, केबल्स में इसका हम यूज करते हैं। जो केबल्स दोस्तों हाई वोल्टेज पर काम करती हैं, 765 किलो वोल्ट की लाइन के लिए केबल जो हम प्रयोग करते हैं, उसमें दोस्तों हम इसी का प्रयोग करते हैं, SF6 गैस का। और सर्किट ब्रेकर में भी हम क्या करते हैं, आर्क को बुझाने के लिए SF6 गैस का ही प्रयोग करते हैं। और जो इंसुलेटर के रूप में काम कर रहा है, इसके अलावा और कहाँ कहाँ काम करता है, तो दोस्तों ये चिकित्सा के क्षेत्र में, लिखेगा कहाँ पर, चिकित्सा है ना, जो आपका चिकित्सा क्षेत्र हो गया, मेडिसिन लाइन है ना, उस चिकित्सा क्षेत्र में भी हम इसका यूज करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक और लिखेगा, ट्रेसर तत्व के रूप में, किसके रूप में, ट्रेसर तत्व के रूप में भी हम इसको काम में ले सकते हैं। तो ये अलग अलग दोस्तों क्या है, इसका एप्लीकेशन है, अलग अलग स्थानों पर इसको महत्वता दिया जाता है, कहीं इंसुलेटर के लिए सर्किट ब्रेकर में, तो कहीं केबल्स में, कहीं ट्रेसर तत्व के रूप में, तो कहीं दोस्तों मेडिसिन लाइन में, यानी कि हर जगह इसको हम काम में ले सकते हैं। एक प्रत्यावर्तित करंट के चालकों की सतह पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति को किस रूप से हम जानते हैं, दोस्तों त्वचा प्रभाव कहलाता है। वो क्या कहलाता है, त्वचा प्रभाव कहलाता है। अभी दोस्तों मैं चित्र दिखाकर आपको समझाने वाला हूं, है ना, देखता हूं कि आपको समझ में कैसे नहीं आता है। ये जो चित्र है ना, इसको आप गौर से देखिए और समझने की कोशिश करिएगा। ये एक ट्रांसमिशन लाइन है दोस्तों। क्या है ये? एक ट्रांसमिशन लाइन है। सबसे पहली जानकारी क्या है दोस्तों, ये देखिए, ये एक क्या है, मान लीजिए एक ठोस पदार्थ है, है ना, इसमें से हम एसी सप्लाई देते हैं, इसमें से क्या देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं इनपुट के रूप में, किसमें, इनपुट के रूप में, है ना। तो जब इसमें एसी सप्लाई देंगे ना, तो जो करंट है दोस्तों, इसके केवल और केवल बाहरी सतह पर फ्लो होगा, इस प्रकार से बाहरी सतह पर फ्लो होगा। इसका जो अंदर वाला हिस्सा है ना, उसमें करंट साला फ्लो होगा ही नहीं। तो हम क्यों दोस्तों फोकट में इतनी मोटी केबल का, इतनी मोटी तार का प्रयोग करें ओवर ए ट्रांसमिशन लाइन में। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं तार, ये इसी प्रकार की तार होती है। अगर हम इस प्रकार की तार प्रयोग करेंगे, तो बीच वाला जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, पार्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये बीच वाला, इसमें से करंट का फ्लो होता ही नहीं है, केवल एसी की हम बात कर रहे हैं। तो हम दोस्तों एक ऐसा टेक्निकल दोस्तों जुगाड़ बनाए कि क्यों ना हम इस प्रकार से एक ACSR तार बनाते हैं, है ना, इसको हम कहते हैं ACSR वायर, ओवर ए ट्रांसमिशन लाइन में केवल इसका
इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिएगा हम क्या किए दोस्तों, पतली पतली तारों का उपयोग कर दिए। अब इसमें से जितने भी तार है सब में से करंट का प्रवाह होगा। देखिए इस तार में अलग होगा, इस तार में अलग। अब इसमें देखिए बीच से करंट प्रवाह नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें बीच में भी एक अलग से तार है, इसमें भी करंट का प्रवाह होगा, इसमें भी देखिए करंट का प्रवाह होगा, इसमें भी, यानी कि पूरे इस बंडल कंडक्टर से करंट का प्रवाह होने लगता है ना। और देखिए हम इसी को कहते हैं स्किन इफेक्ट। जो बाहरी बाहरी सतह से करंट का प्रवाह हो रहा है ना, उसी को कहा जाता है स्किन इफेक्ट, है ना। तो यह है स्किन इफेक्ट। ओवरहेड की ट्रांसमिशन लाइन है, इसी में दोस्तों इस प्रकार की ACSR तार प्रयोग किया जाता है। किस उद्देश्य से किया जाता है? स्किन इफेक्ट को दोस्तों कम करने के लिए। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि जो स्किन इफेक्ट है यह किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो सबसे पहला पॉइंट डालिएगा दोस्तों, यह फ्रीक्वेंसी पर करता है। किस पर? ये फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पर ही दोस्तों स्किन इफेक्ट होती है। किस पर? हाई फ्रीक्वेंसी पर ही क्या होती है? स्किन इफेक्ट होती है। और हाई वोल्टेज पर भी होती है। किस पर? हाई वोल्टेज पर भी स्किन इफेक्ट होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं कहूँ और कहाँ कहाँ पर होता है, तो देखिएगा जो आपकी चालक होती है दोस्तों, लिखिएगा, चालक की आकृति पर भी निर्भर करती है। किस प्रकार का चालक है इस पर भी डिपेंड करेगा। और दोस्तों चालक की दूरी पर भी डिपेंड करता है। किस पर? चालक की दूरी पर। इसीलिए देखिए दो तार के बीच में दोस्तों कितना गैप है, दोस्तों गैप को मेंटेन करना बड़ा जरूरी है, नहीं तो स्किन इफेक्ट होने लगेगा। तो चालक की आकार पर, चालक की दूरी पर और किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिस पर दोस्तों ये क्या करता है, स्किन इफेक्ट निर्भर करती है। तो जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा।